बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। पर्टिकुलरली वी आर फोकसिंग द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर HIV ट्रीटमेंट। एंड इन कनेक्शन टू द लास्ट लेक्चर, इफ़ यू कैन रिकॉल, आई टोल्ड यू दैट HIV इज़ वन ऑफ द रिट्रोवायरस। इट मीन्स हेयर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन्वॉल्व। From RNA, the information is given to the DNA. So the process is reverse. That is why reverse transcriptase is one of the very important enzyme which is involved in the replication of HIV, human immunodeficiency virus. That is why we have the drugs which are used to block the reverse transcriptase enzyme. So there are six major categories which are used for the treatment of HIV, and you see that they are reverse transcriptase inhibitors. So reverse transcriptase inhibitors, they could be non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and they could be nucleotide ya nucleoside ek hi baat hai reverse transcriptase inhibitor. One group is which is nucleotide or nucleoside reverse transcriptase inhibitor structurally. One is non-nucleotide or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Third class, as we also discussed in different other viruses, protease inhibitors, जो कि protease enzyme को block करेंगे. Entry inhibitors, and then integrase strand transfer inhibitor, which are also called as simply the integrase inhibitors. And last class is pharmacokinetic enhancers. So preferred therapy is basically the combination of two nucleoside ya do non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor with one protease inhibitor or with one entry ya integrase inhibitor ke sath iski preferred therapy hai. Ye yahan screen mein likha hua nahi aaya, but the presentation which I had shared with you usme ye mention hai. Okay, so this is the classification. Ye in drugs ke name hai. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एबाकावर, डाइडेनोसिन, एमट्राइसाइटाबीन, लैमिविडीन, स्टाव्यूडीन. सिमिलरली नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें डेलावेडीन, इफावायरेंस, इट्रावायरीन, नेवारेपीन एट्सेट्रा. देन नेक्स्ट क्लास इज प्रोटीएज इनहिबिटर, जिनको हम PIs कहते हैं, एटाजेनावर, डारूनावर, इंडीनावर, फोसेम्प्रेनावेर, नेल्फिनावेर, राइटोनावेर, सेक्विनावेर, टिप्रानावेर एट्सेट्रा. ओके, इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर, ये जिसको आप सिंपली इंटीग्रेज इनहिबिटर भी कह सकते हैं, उसमें बेक्टाग्रावेर, डोल्यूटाग्रावेर, एलवेटाग्रावेर और वेलटाग्रावेर, यानी सबके आखिर में टैग्रावेर आता है. ओके, सो फर्स्ट क्लास इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. As the name indicate that they are reverse transcriptase inhibitor. So simply जो HIV की replication में crucial है enzyme reverse transcriptase, this is blocked by this drugs. Okay? यहाँ आपको मैं mechanism भी दिखाऊँ. So ये कुछ बच्चों ने presentation में डाली थी, I like it. So इसको मैंने डाल दिया. देखें ये यहाँ पर different nucleotides हैं. ये HIV का DNA, virus का DNA. ये enzyme है reverse transcriptase. और इस एंजाइम के अंदर ये वाली जगह जो है, ये बेसिकली जहाँ पर ये सारे अटैच्ड होंगे. इस कलर में जो आपको दिखाया गया है मैरून में, ये नौ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है. ये जब इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो ये इस पर्टिकुलर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो HIV का RNA यानी जो रिवर्स प्रोसेस होना होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, कि HIV के DNA से HIV का RNA बनना होता है, ये वाला प्रोसेस ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम डेट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है. एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है ऐसी. रेजिस्टेंस जो है वो जाहिर म्यूटेशन से आ सकती है. पर्टिकुलरली ये कोडोन है 184 RT कोडोन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कोडोन. इस एंजाइम के अंदर जो ये कोडोन है 184, अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस आ सकती है. नेक्स्ट क्लास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, बट स्ट्रक्चरली दे आर नॉन न्यूक्लियोटाइड.
They are highly selective, non-competitive inhibitor of HIV reverse transcriptase. ये देखिए, और क्या होता है ये कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे जो HIV का है ऑफ कोर्स, उसके साथ ये बाइंड कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रेप्लिकेशन है वो ब्लॉक हो जाती है. सो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये बाइंड करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर स्टेप्स में बता दिया गया है, और फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन करवाएंगे जो RNA DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे अल्टीमेटली, जिसकी वजह से फर्दर जो मैं आपको कह रही हूँ, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं उसकी रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाएगी. फॉस्फोराइलेशन की यहाँ इनको ज़रूरत नहीं है. अगर आप यहाँ देखें तो ये नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ग्रीन में आपको ड्रग दिखाई गई है, ये वो पॉकेट है जो कि इस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की है. जब ये ड्रग यहाँ बाइंड कर लेती है तो फिर ये फर्दर इस एंजाइम को ब्लॉक करके जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है उसको ब्लॉक करवा देती है, और इस तरह से वायरस की जो रेप्लिकेशन है वो फर्दर ब्लॉक हो जाएगी. एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस भी पढ़ लेंगे, 2 to 8% है. नेक्स्ट क्लास इज प्रोटीएज इनहिबिटर. प्रोटीएज एज द नेम इंडिकेट एंड आई टोल्ड यू डैट प्रोटीएज आर द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स. पॉली प्रोटीन्स जो हैं, जो मैंने यहाँ आपको रेड में करके दिखाया, उनको ये बेसिकली छोटे जो होते हैं एंजाइम्स या छोटे जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर ये बेसिकली ब्रेक डाउन कराता है. एंड व्हेन दिस एंजाइम इज ब्लॉक, एज ए रिजल्ट आगे जो फर्दर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बनने हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, कुछ एंजाइम्स हैं उसमें, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जब वो नहीं बनेंगे तो फर्दर ये प्रोसेस जो है ये ब्लॉक हो जाएगा. प्रोटीएज ब्लॉक हो गया, सो फर्दर इसकी वजह से आगे जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो भी नहीं बनेगी, तो बिकमिंग मेच्योर HIV का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगा, डैट विल बी इनहिबिटेड. ओके ओके, सो ये इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, पैरेस्थीसियाज हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ड्रग इंट्रैक्शन इनकी कॉमन है, खासतौर पर साइटोक्रोम P450 के ज़रिए इंपॉर्टेंट है. आगे मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक इन्हांसर्स पढ़ाऊंगी, वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि इनकी जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है. तो जाहिर है अगर साइटोक्रोम के साथ किसी की ड्रग इंट्रैक्शन होती है ना बच्चों, तो फिर कोई ऐसी ड्रग्स जो उसी से मेटाबोलाइज हो रही हो वो वहाँ पर उनको इंड्यूस करा सकता है या उनको इनहिबिट करवा सकता है, वहाँ पर उनको केयरफुली लेना होता है. रेजिस्टेंस म्यूटेशन आ सकती है पर्टिकुलर प्रोटीएज के जीन में. और फोर्थ क्लास है हमारे पास एंट्री इनहिबिटर. नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायरस की जो एंट्री है सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसको ब्लॉक कर रहे हैं. इसमें एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं एनफ्यूटाइड, एंड दिस एनफ्यूटाइड इज बेसिकली द फ्यूजन इनहिबिटर. देखें, फ्यूजन मींस के व्हेन HIV हैज टू गेन एंट्री इनटू द होस्ट सेल, तो वो उस सेल मेम्ब्रेन के साथ बेसिकली फ्यूज करता है, और जब ये उसके साथ फ्यूज करता है तो एक पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन GP41 होती है जिसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, और इस तरह से ये फ्यूज करता है जो सेल मेम्ब्रेन है. फॉर एग्जांपल ये वायरस आके इसके साथ फ्यूज करता है और फिर ये एंटर होता है सेल के अंदर. तो ये फ्यूजन को बेसिकली ये इन्फ्यूबर्टाइड ब्लॉक करती है, और जब ये फ्यूजन इनहिबिट हो जाएगा तो फिर फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा. सेकेंड ड्रग मारावीरोक है, और मारावीरोक को ओरली क्योंकि अच्छी अब्जॉर्ब होती है तो ओरल टैबलेट में अवेलेबल है. ये बेसिकली CCR5 रिसेप्टर्स को, जो हम कल अपने लेक्चर में शुरू में पढ़ रहे थे कि कुछ यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसके साथ बाइंड करके HIV की एंट्री को ब्लॉक कर देती है. एक्चुअली जो रिसेप्टर्स हैं CCR5 को रिसेप्टर्स होते हैं, ये GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 के साथ फैसिलिटेशन में, जो अभी हमने पहले पढ़े, HIV की एंट्री को आसान बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं. सो जब ये ड्रग इसको ब्लॉक कर देती है CCR5 को रिसेप्टर्स को, तो फिर उसकी एंट्री, HIV की जो एंट्री है होस्ट सेल के अंदर, डैट बिकम इनहिबिटेड. एंड वेन इट इज़ इनहिबिटेड, सो ऑफकोर्स के फिर वायरस रेप्लीकेट नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेज इनहिबिटर, विच आर इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर. नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली एक एंजाइम है इंटीग्रेज, उसको ब्लॉक करते हैं. देखो, इंटीग्रेज का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन करवाना. जो HIV का DNA होता है और जो होस्ट का DNA होता है, ये बेसिकली उसके इंटीग्रेशन, उसको एक दूसरे के साथ
कंबाइन करने में इन्वॉल्व है. सो व्हेन दिस एंजाइम इज ब्लॉक्ड दिस इंटीग्रेशन वुड नॉट बी पॉसिबल. और ये इंटीग्रेशन नहीं होगी तो फर्दर जो वायरस की रेप्लिकेशन है ना वो भी नहीं होगी. ठीक है, वेल टॉलरेटेड होते हैं, डायरिया नोजिया कॉमन है और चीलेशन इंट्रैक्शन एंटासिड्स के साथ कर सकते हैं. इनके आप एडवर्स इफेक्ट्स को देख लें और इसको मैं थोड़ा जूम करूं, ये देखें, ये वही यहाँ पर मैकेनिज्म बताया गया, ये इंटरनेट से मुझे मिली थी, फिगर अच्छी लगी. आप ये देखिए कि ये यहाँ पर इंटीग्रेज जो हैं वो इंटीग्रेज अपनी एक्टिविटी जो प्रो वायरल डीएनए होता है ये उसको बेसिकली इंटीग्रेज यहाँ पर फैसिलिटेट करवा रहा होता है. ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रो वायरल डीएनए है और ये होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए, इनकी यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन होती है और ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे इंटीग्रेज विच इज़ इनहिबिटेड बाय दीज ड्रग्स, जो मैं आपको इंटीग्रेज इनहिबिटर बता रही हूँ. तो फर्दर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और ये सारी रिलीज के प्रोसेसेस होते हैं ये सब के सब यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं. ओके, एंड लास्ट वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स. फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स में दो ड्रग्स हैं, राइटोनावर जो आपने पहले प्रोटीएज इनहिबिटर में भी पढ़े हैं और इसके अलावा कोबेसिस्टात. तो ये दोनों ड्रग्स बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स का मतलब ये होता है कि ये उसके एक्शन को इन्हेंस करते हैं, जो ड्रग्स का एक्शन होता है. ये देखें यहाँ, ये भी ड्रग के ज़रिए से आप देखें कि ये उसको बेसिकली इन्हांस करते हैं. ओके, सो ये देखें, ये ड्रग अलोन है और ये मैं आप लोगों के लिए पेन पिक कर लूँ, ये ड्रग अलोन है तो इसका इफेक्ट इतना है. व्हेन ड्रग इज़ कम्बाइंड विद फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स तो आप देखें ड्रग का जो इफेक्ट है वो कितना इन्हांस हो गया. यही काम यहाँ पर ये फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स कर रहे हैं. ये फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स जो दो ड्रग्स मैंने आपको बताई कोबेसिस्टात और राइटोनावर, ये इन्हीं एंटीवायरल यानी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के जो एक्शंस हैं उनको इन्हांस कर देती हैं. और पर्टिकुलरली ये इनहिबिटर है साइटोक्रोम एंजाइम के, साइटोक्रोम 3A, ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है. जब इसको ये ब्लॉक करते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, एक तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स की जो अभी हमने क्लास पढ़ी है और एक एंटीग्रेज इनहिबिटर में से एक एजेंट है एलवेटेग्रावर, इसकी बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी को ये इन्हांस कर देते हैं फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स. तो ये देखिए एचआईवी एंटी रिट्रोवायरल फार्माकोकाइनेटिक बूस्टर्स हैं ये राइटोनावर और कोबेसिस्टात. साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कराते हैं, ड्रग के लेवल्स को इनक्रीज कर देते हैं. ओके, क्योंकि जाहिर है कि जब ये एंजाइम ब्लॉक हो रहा है तो ड्रग कम मेटाबोलाइज होगी और ड्रग जितनी मेटाबोलाइज होती है उसके लेवल्स उतने कम होते जाते हैं. व्हेन मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक तो ड्रग्स के लेवल बढ़ रहे हैं. ठीक है, अच्छा, ऑल प्रोटीएज इनहिबिटर और एलवेटेग्रावर जो हैं इनके साथ बेसिकली जो इफेक्ट्स हैं एंटी रिट्रोवायरल इफेक्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं. राइटोनावर प्रोटीएज इनहिबिटर भी है प्लस ये एक बूस्टर भी है. ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट पीआई वाले भी आएंगे, प्रोटीएज इनहिबिटर वाले, जबकि कोबेसिस्टात जो है ये अलोन बूस्टर है. ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन इसकी अपनी आएंगी लेकिन जो क्योंकि प्रोटीएज इनहिबिटर नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट इस पर नहीं आएंगे. सो ये एनहांसर हैं एचआईवी इनहिबिटर्स के एज आई टोल्ड यू, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उन्हीं एक्शन को बेसिकली इन्हांस कर देते हैं और इस तरह से इनके जो इफ़ेक्ट्स एंटीवायरल ड्रग्स के होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं. वरना ये इटसेल्फ जो कोबेसिस्टात है ये एंटीवायरल नहीं है. ठीक है, राइटोनावर तो है, वो दोनों काम कर रहा है पीआईबी और वो भी, बट दिस वन इज नॉट. ओके, सो ओके बच्चों, आई होप सो के आपको ये समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह आप प्लीज इसको गो थ्रू कर लें. इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.